हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के मैच जो पाकिस्तान फोर्थ मैच जीत चुके हैं। बाबर आजम जो है फर्स्ट कैप्टन जो है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ कभी कभी हुआ नहीं कि ऐसा कैप्टन है जो वर्ल्ड कप में इतना ज़्यादा मैच जीता हो। जैसे वरुण धवन भी अपने मूवीज़ में डायलॉग मारा होता है कि यह जो वो हाल करूँगा विलन को, बोलता है कि जो 2019 ऐसे कुछ में सचिन ने पाकिस्तान का किया था। कहूँगा ए माँ मुझे माफ कर दे माँ, क्योंकि मैं तेरे लाल का वो हाल करने वाला हूँ जो 2003 वर्ल्ड कप में सचिन और सहवाग ने पाकिस्तान का किया था। क्या बात है भाई, क्या खेले थे दोनों। तो अभी इसके बाद कोई मूवी बॉलीवुड में आने वाली वाली है अबाउट दिस। तो चिपका लिए ये सारा सीन क्रिएट होता है, लेकिन अभी पता लग रहा है कि 190 की जो है ना रिकॉर्ड दिया थी नामीबिया जो है कोई नई टीम जो आई है तो उसको भी सुखा बड़ा मारा है। और 144 पे इनको यानी कि कर दिया था। कह रहे थे कुछ प्रेडिक्शन हमारे हमाद भाई वगैरह दोस्त हमारे जो है लेजेंड्स, वो तो कह रहे थे कि उनको तो पहले से मालूम हो गया था कि मैच कौन जीतेगा, यानी कि बाबा जी ने, वो तो समझ रहे हो। तो उनको प्रेडिक्शन होती है भाई, उनको शर्तें वगैरह लग रही थी कि अगर हाफिज़ ने 50 मारी तो हम चाय पिलाएंगे अपने हाथों से, नहीं नहीं अपने पैसों से, पी तो सब सकते हैं यार अपने हाथ। इस पे नहीं चल रहा, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी चल रहे, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो शर्तें लग रही थी, लेकिन रिजवान ने भाई वहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया, 77 रन निकाले। मैं खुद लाइव देख रहा था, हालांकि वो बड़ी स्क्रीन चल नहीं रहा था, छोटी स्क्रीन में हमने देखा मिलकर। तो मैच तो बड़ा अच्छा था, लेकिन घर पे आके मुझे पता लग गया कि 144 पे इनको जो ना फारिग करा दिया है। और जो इंडिया और सब कह रहे थे, सबके ट्वीट्स मैंने देखे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहते थे कि फाइनल में हो, लेकिन अभी इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि न्यूजीलैंड से भी हार चुकी है वो। तो उसको जो है ना बहुत बैड कंडीशन उसके ऊपर आई हुई है। वैसे पाकिस्तान इंडिया बड़ी अच्छी टीम है, नो डाउट के वो अच्छा नहीं खेलती है, लेकिन इस टाइम पे जो है ना इंडियन मीडिया और उनकी जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा उनको थ्रेट दे रही है, यानी कि कह रही है आपको ये कर देंगे वो कर देंगे और ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल भारतीय टीम की हार के बाद लोगों का गुस्सा विराट कोहली और इंडियन टीम पर फूट रहा है। और ऐसे ही होता है, जो टीम हारती है तो उसको ऐसी थ्रेट मिलते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे पाकिस्तान में भी हारते थे तो उनके मीम्स बने होते थे, यानी कि प्लेयर था कोई इस नाम से, तो उसके ऊपर भी मीम्स काफ़ी बने थे कि पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं मैच के दौरान, खेल नहीं रहे होते और ऐसी कोई सीन होते तो उसकी जमाई ले रहा था बेचारा, उसके ऊपर मीम्स बनने थे, बड़ा मजाक बना था उसके ऊपर भी। तो यही हो रहा होता है कि अगर क्रिकेट में कोई हार जाता है तो उसको उसके ऊपर पूरी आवाम जो है छड़ना शुरू हो जाती है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पुराने जो टीवी जो सेल होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार कम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लगातार फोर्थ मैच जीती है, तो उसकी जगह जो ना बम पटाखे और ये पोल्यूशन वाली चीज़ें ना बिकना शुरू हो गई हैं। और फ्यूचर में भी लोग यही कह रहे हैं कि एडवांस हम लोग घर में ना शर्त लगाना शुरू कर दें। तो पहले जो इंडिया पे सट्टे लगाते थे और पाकिस्तान को बहुत कम समझते थे वो उन पे सट्टे लगाते थे, तो अभी वो पाकिस्तान भी लगाना शुरू कर दिया, तो ये उम्मीद कायम नहीं की। और कुछ लॉकडाउन ने तो भाई हद कर दी भाई, वो लिटरली कमेंट सेक्शन के अंदर दुआएं कर रहे हैं कि अभी जो पाकिस्तान की ना हर दुआ कबूल हो रही है तो हमारी थोड़ी शादी की दुआ कर लें कि हमें ले शादी करें कि हमारी शादी जो है ना जल्दी हो जाए। लोगों को इतनी जल्दी है लिटरली, हर जगह कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ना लड़कियों के पीछे पढ़ाई बर्बाद पैसा बर्बाद, फिर कहते हैं दुआ कर दो, बेरोजगार बैठे हैं मौलवी साहब। तो ये वही वाला सीन इनका चल रहा होता है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। तो और
नेमेबियर को तो बड़ा अच्छा उन्होंने सबक सिखाया, यानी कि नॉट कमिंग स्लो। अभी जो आगे की टीम्स आएंगी उनके साथ देखते हैं उनके साथ क्या मुकाबला होगा। लाइक अगर पाकिस्तान एक भी मैच हार जाती तो लिटरली इनको अगर दुआएं मिली तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई ना कोई एक बंदा जो है ना आ जाएगा रगड़े में कि इस बंदे की वजह से ना जो ये किया गया तो बोलेंगे ये नज़र लग गई, तो लोग नज़र ना लगने के परफ्यूम लगा रहे होते हैं और इतना ज़्यादा ना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि, और ये तो बड़ी अच्छी बात होती है कि अप्रिशिएट मिल रहा होता है। और हफीज़ भाई जो अपने हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और कहा जा रहा है कि ये भी जो है ना रिटायरमेंट लेने वाले हैं इन मैच T20 के बाद। तो अभी तक तो टीम बड़ी अच्छी जा रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी टीम्स को भी बेस्ट ऑफ लक के वो भी अच्छा परफॉर्म करें। और इंडिया अगर T20 वर्ल्ड कप जो मेन जो होती है फाइनल्स होते हैं उसमें अगर आ गए तो मैच देखने का मज़ा आ जाए ना, डबल आ जाए ना। समझ रहे हो ये सारे सीन्स चल रहे होते हैं भाई। और बाकी मीम्स बहुत खतरनाक तरीके के आ रहे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था उसके टाइम तो बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे थे, लेकिन अभी मीमर्स भी ना ठंडे हो गए नहीं है। उनको पता है कि भाई अभी मीम्स आने का जो फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैच तो वैसे जीत रही होती है, हारे तो मज़ा है, इनको तो यही चाहिए तो मसाला। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओए 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 मामा फेस का 50 रुपए कोरोना पॉजिटिव भागो यहां से, यो इतना गंदा ब्लॉग सेल्फी स्टिक से होता तो ना सॉरी छोको रखे हैं। अच्छा आपस की बात है, आप सेल्फी स्टिक पकड़ो, उनको को लोग कहते छको छको के मारे रिजवान मारे फेस ने यार, जा रहा हूं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं, भुट्टे की दुकान खोल दूंगा मैं।